हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के अंदर जितने भी रेलवे ट्रैक हैं या रेलवे स्टेशन हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे भारत गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रेलवे स्टेशन ऐसा है या एक रेलवे ट्रैक ऐसा है जो कि भारत के अंदर अंतर्गत नहीं आता है, हमारी गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, जो कि अपने आप में एक प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे शकुंतला रेलवे के बारे में, जो कि ठीक है, जो कि आज भी प्राइवेट है, जिसके लिए हमको इसको बाहर रॉयल्टी देनी पड़ती है। मतलब ये रेलवे ट्रैक, ये जो रेलवे स्टेशन है या फिर ट्रेन है, ये क्या है, ये किसी बाहरी इंसान का है या किसी बाहरी कंपनी का है, जिसके लिए हमको उनको एक तरीके से रॉयल्टी देनी पड़ती है, उनको पैसा देना पड़ता है। हालांकि 1952 में क्या हुआ था, भारत ने बहुत ज्यादा प्रयास किया था कि इसको भी क्या किया जाए, कि एकीकरण किया जाए, लेकिन कुछ वजह से क्या हुआ, इसको एकीकरण नहीं किया जा सका। कारण क्या था, कारण हम समझेंगे, लेकिन इतिहास को समझेंगे। इतिहास क्या है, आपको पता है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे वो किस लिए आए थे, आपको पता है, वो इसलिए आए थे ताकि वो क्या करे, भारत से जो खजाना है उसको अपने देश में लेके जा सके, भारत को लूट सके, दूसरी भाषा में हम ये कहें। आपको पता है जैसे दो लोग, मुगल भी आए थे और ब्रिटिशर्स भी आए थे, तो मुगल तो यहां पर रहने के लिए आए थे, लेकिन ब्रिटिशर यहां पर क्या आए थे, खजाना लूटने के लिए आए थे। आपको पता है भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब क्या था, उनको खजाना लूट के लेके जाना है अपने देश में, तो जाहिर सी बात है, तो जो खजाना है पहले नदी के रास्ते जाएगा, लेकिन नदी तक, नदी या समुद्र तक लेके जाने के लिए, ज्यादातर समुद्र से ही जाता है, तो समुद्र तक लेके जाने के लिए क्या होगा, इन्होंने क्या किया, रेलवे ट्रैक बिछाना शुरू किया। रेलवे ट्रैक जब बिछाना शुरू किया, उसके तहत क्या करते थे, ये माल को या जो सामान है उनको क्या करते थे, समुद्र के पास लेके जाते थे। वहीं पर जब भारत आजाद होता है, आजाद होने के बाद वो यहां से चले जाते हैं, तो जितने रेलवे स्टेशन होते हैं सब कुछ क्या किया जाता है, हमारे अंतर्गत आ जाता है, वो भारत का हो जाता है। लेकिन उसी में एक रेलवे स्टेशन होता है जिसका नाम है शकुंतला। इसको हम क्या कहते हैं, एकीकरण नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, ठीक है, किसी वजह से, मतलब समझिए आप कि लंदन में क्या है कि वर्जिन क्या है, रेलवे है, जो प्राइवेट रेलवे है, किसका है, वो रिचर्ड ब्रांसन का है, ठीक है, अब वो उनका है, उन्होंने खुद ही किया था। सेम चीज यहां पे है, मान लीजिए क्या, आपने क्या किया कि जमीन खरीद ली, ठीक है, बहुत लंबी सी पतली सी जमीन खरीद ली, वहां पे रेलवे ट्रैक अपने 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 पैसे से बिछवाए हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, वो तो जमीन आपकी है तो रेलवे ट्रैक भी आपका होगा, तो इसको कोई ले नहीं सकता, इसको गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती है, क्योंकि इस पे क्या होगा, वो लेना भी चाहेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वहां से आप केस जीत जाएंगे। ये तो तब होगा जब आप इसको खुद बेचना चाहें, क्योंकि ये ऐसा ही है कि मेरा एक घर है, मैं घर के अंदर क्या करूं, एक रेलवे ट्रैक बिछा दूं, चाहे मैं रेलवे की तरह ही बिछाऊं, छोटा सा बोगी लगा के इसमें चलाने लगूं, तो घर के अंदर ही चले, लेकिन भले ही रेलवे है लेकिन है तो मेरे घर के अंदर, वो मेरा निजी है। तो सेम चीज यहां पे था। ये किस कंपनी का है, ये है सेंट्रल प्रोविंसेस रेलवे कंपनी का है, ठीक है, जो ब्रिटिश की कंपनी थी, ये वहां की है। इसकी लंबाई कितना है, 190 किलोमीटर के आसपास है। 2016 में ये बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था मैं आपको बताता हूं। देखिए, इससे पहले क्या था, जब ये चल रहा था, इससे पहले किसे चलता था, कोयले से चलता था, भाप इंजन था। 1996 के आसपास आने बाद क्या, 94 के आसपास क्या होता है कि इसमें, देखिए 96 से 94 के आसपास है, इसमें क्या होता है, इसको डीजल इंजन में बदल दिया जाता है, उसके बाद ये चलाया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, काफी पुराना है, किसी काम का नहीं है और खतरे से भरा है। दूसरा, इसके बीच में क्या होता है दोस्तों 17 रेलवे स्टेशन आते हैं, ठीक है, ये कहां से कहां तक चलता है, यावतमल से लेके अचलपुर तक ये बीच में चलता है, कहां पे, महाराष्ट्र में। इसकी बात हो गई। पहले क्या था, इसमें कुछ डब्बे थे, इसको बढ़ा के क्या कर दिया जाता है, इसमें 7 डब्बे कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये पूरा इसका इतिहास है, और 2016 से ये बंद पड़ा है। हालांकि सैलानी जो है या पर्यटक जो है इसको देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम बहुत सारी बातें करेंगे कि कौन से सबसे महंगे ट्रेन है, ठीक है, कौन से सबसे लंबे ट्रेन है, कौन सा ट्रैक सबसे लंबा है, इसके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स लॉन्च किया है। देखिए, अगर आपका कोई बेटा है, आपका भाई है, आप खुद है, ठीक है, आपने देखा होगा कि वो पढ़ाई करते वक्त क्या होता है कि वो न चाहते हुए भी अपना टाइम क्या करते हैं, रील्स में गवा देते हैं, वीडियो में गवा देते हैं, बातों में गवा देते हैं। उनको पता है, आपको पता है कि बहुत ज्यादा वक्त जाता है। जरा सोचिए कि 1 मिनट का रील्स देख रहे हैं, आपने 60 रील्स देखा, आपको एहसास नहीं होता है, लेकिन आपने 1 घंटे ऐसे ही गवा दिए। हर बार आप 50-60 रील्स देखते हैं, और हर बार आप क्या होता है कि ऐसे घंटे घंटे गवाते हैं, और दिन में क्या होता है, 5-6 घंटे ऐसे ही गवा दिए। आपको पता है ये एडिक्शन है, आपको पता है कि ये खराब है, मेरा वक्त जा रहा है, मेरी लाइफ खराब होगी, लेकिन न चाहते हुए भी आप ये करते हैं। इसीलिए हमने एक ऐसा कोर्स लाया है जिसमें हम सिर्फ आपको बताएंगे नहीं, बल्कि आपका जो एडिक्शन है उसको पूरी तरीके से दूर करके रहेंगे, ठीक है दोस्तों। एक तरीके से वर्कशॉप होगा जहां पर आपको पूरी तरीके से थेरेपी की जाएगी, लेक्चर में आपको पूरा समझाया जाएगा, ठीक है।
अगर आप ग्लो 25 को यूज करेंगे तो आपको लगभग 25% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, यहां पे हम देखते हैं। देखिए अब बात करें कुछ फैक्ट के बारे में कि जो इंडिया का जो सबसे बड़ा ठीक है रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं हब्बाली जंक्शन है, क्या है सबसे लंबा क्या है जो स्टेशन है वो है। ठीक है, कर्नाटक में है, कितना है 1505 मीटर के आसपास है। वहीं पे हम पूरी दुनिया की सबसे जो लंबी ट्रेन है ठीक है, मतलब जो दुनिया का जो सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है उसकी बारे में बात करें तो वो कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे करके है। इसकी जो लेंथ है दोस्तों आपको बता दूं लगभग कितना है 9,279 किलोमीटर के आसपास है। ये जो सबसे लंबा है ये कहां से, मास्को से ये रसिया तक ही जाता है। यहां पे आप देख रहे हैं लदा क्या है, ये लदा स्टोक है करके है लाइन है, सॉरी थोड़ा बोलने में दिक्कत होगी, तो इसकी ये लंबाई है। वहीं पे अगर हम बात करें कुछ और फैक्ट की तो हम यहां पे देखेंगे कि जो सबसे महंगा ट्रेन है इंडिया में वो कौन सा है, महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन है। यहां पे आप इनके देखेंगे कुछ इनके जैसे हमारे यहां क्या होता है एसी होता है सेकेंड एसी होता है, वैसे इनके कुछ सीट्स हैं। तो जो सबसे महंगा है वो कौन सा है, प्रेसिडेंशियल सीट करके है, ये लगभग कितना है 20 लाख के आसपास है। वहीं पे सीट की हम बात करें तो लगभग 11 के आसपास है, 11 लाख के आसपास। वहीं पे इसकी बात करें ये कितना है 80,000 के आसपास है। वहीं पे डीलक्स कैबिन की बात करें तो कितना है 61,000 के आसपास है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, जो रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है वो किसका होता है, वो स्टील का होता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने रेलवे के बारे में बातें की और ऐसे रेलवे के बारे में बातें की जो क्या है अभी तक भी प्राइवेट है, जिसके लिए हमको रॉयल्टी बाहर देनी पड़ती है। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो जिसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।